समाज में दबंगों का उजागर करना पत्रकार को पड़ा भारी। तहरीर देने के बाद दबंग सोशल मीडिया पर अपनी आईडी से पोस्ट करके पत्रकार को बदनाम करने की कर रहा साजिश। शहर के कौशलपुरी में पत्रकार की गाड़ी का मामला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिम्मेदारों को आदेश दिया था कि गली मकान जमीन को दबंग द्वारा कब्जा मुक्त करवाकर मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष दबंग द्वारा सार्वजनिक गली में मनमानी करते हुए डिवाइडर बना देना और गली को कब्जा करने की मंशा रख रहे थे, जिसके बाद पत्रकार ने जनहित में गली का कब्जा मुक्त करवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को तहरीर दी गई थी, जिसके बाद नगर पालिका परिषद द्वारा डिवाइडर को तोड़ दिया गया और दबंग को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए कहा। कार्रवाई होने के बाद से दबंग पत्रकार से रंजिश मान रहा था। पत्रकार जो समाज में फैला रहे अराजक तत्वों को समाज में उजागर करते हैं और समाज को सतर्क करते हैं, आज दबंग द्वारा पत्रकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। शैलेंद्र शर्मा पुत्र ननेलाल शर्मा मोहल्ला कौशलपुरी द्वारा पत्रकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, जबकि पत्रकार द्वारा कब्जा मुक्त कराने का एकमात्र प्रयास था ताकि समाज में फैला रहे अराजक तत्वों को समाज में उजागर किया जा सके। आज पत्रकार की खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, पत्रकार ने अपनी गाड़ी बचाने के लिए कैमरा लगवाया तो दबंग द्वारा कैमरे को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? ये थी डीडी टुडे के लिए अनीश सिंह की रिपोर्ट। चलो खोलो। हाँ हाँ वो है चल। दो मिनट, ये कह रहा हूँ, ठीक है, अभी रुको बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सोमवार से लेकर अभी तक सीसीटीवी कैम फुटेज चाहिए थी। उधर आओ, कहाँ घूम रहे हो? इधर खड़े हो जाओ साइड में, देख रहे हो? हाँ आ रहे यार, हैं ये हम कह रहे हैं आंटी, ये इधर वाले कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी। कैमरा नहीं चल रहा है। कैमरा नहीं चल रहा है। कैमरा नहीं चल रहा है। अभी बंदा दिन भर कूदा क्यों रखा हुआ का खटिया डाल हम रखा मैं कहाँ है? क्या चीज़ बंदा दिन भर कूदा? तो क्या हुआ? हम खाना खाए तो हमने तो आपसे कुछ आपसे कुछ पूछा हमने? आपसे तो हमने कुछ कहा भी नहीं, आप तो अपने आप कह रही हैं। अपने आप नहीं कह रहे, हम जो खाना खा रहे नहीं, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, आप तो खुद कह रही हैं। लो